मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की। ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स और सर्वाइवल क्या है, आइए जानते हैं। सो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे ओवरी के कैंसर के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया। कॉजेस क्या रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और ओवरी के कैंसर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्वाइवल मतलब ओवरी के कैंसर के पेशेंट्स में स्टेज के हिसाब से कितना आयु रहता है या सर्वाइवल कैसे रहता है। सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ओवरी के कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट रहता है। स्टेजेस के ऊपर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा जो पहले किया हुआ वीडियो का लिंक आप क्लिक करके इसके ऊपर और जानकारी पा सकते हैं। जब स्टेज 1 की बात आती है, जहाँ पे बीमारी सिर्फ ओवरी के ऊपर ही है और बाकी किसी ऑर्गन को पकड़ा नहीं है, तो यहाँ पे 90% सर्वाइवल रहता है। मतलब अगर 100 पेशेंट्स ये स्टेज में हैं तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स मतलब 5 साल के एंड में 90% ये लोग बिना बीमारी के जीवित रह सकते हैं। जब स्टेज 2 की बात आती है, जहाँ पे ओवरी का कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में जो पेल्विस में है, जैसे बच्चादानी या रेक्टम को रेक्टम तक फैला है, इस स्टेज में 5 साल के एंड में 70% लोग जीवित रहते हैं, तो सर्वाइवल 70% होता है। स्टेज 3 जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेजेस हैं ओवरी के डायग्नोसिस के टाइम के, तो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ 5 ईयर सर्वाइवल 40% रहता है, जो अर्ली स्टेज या स्टेज 1 और स्टेज 2 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% कम होता है। जब स्टेज 4 की बात करते हैं तो रिजल्ट्स इससे भी कम हो जाते हैं और ओनली 20% जो पेशेंट्स हैं, 20% जो पेशेंट्स हैं 5 साल के एंड पे जीवित रहते हैं। ये एक ब्रॉड फिगर है जहाँ पे हमने कई सारे चीज़ों को एवरेज आउट किया रहता है। अलग अलग प्रकार के ओवरी के कैंसर्स होते हैं, अलग अलग उनके बिहेवियर्स रहते हैं और हर एक पेशेंट ट्रीटमेंट को अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। और इसके साथ ही साथ वेदर पेशेंट को पूरा एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेने की क्षमता थी उसके ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से, ये भी हमें जानना रहता है। और ये सब चीज़ों के इफ़ेक्ट से सर्वाइवल आगे या पीछे हो सकता है। बट एक चीज़ ज़रूरी है जानना दोस्तों, कि ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, इसी से एक हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और एक पोटेंशियल क्योर का चांस पैदा होता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम ये डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।